जोहार झारखंड, हमारा झारखंड पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सितंबर 2022 के दूसरा सप्ताह का जो भी महत्वपूर्ण झारखंड ग्रहण होगा उसको हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आपको बता दूं इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 8 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक के जो भी महत्वपूर्ण झारखंड ग्रहण फिर बनते हैं, जो कि आगामी जो भी झारखंड से संबंधित एग्जाम होते हैं, जैसे जेपीएससी का देते हैं, झारखंड एसएससी का देते हैं, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, वहां पर यह सेशन कारगर साबित होगा। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज पहला सवाल आपके स्क्रीन पे बोल रहा है कि झारखंड में कल्याण विभाग द्वारा संचालित जितने भी हॉस्टल हैं वहां पे राज्य सरकार के द्वारा अब छात्रों को क्या निशुल्क मुहैया कराया जाएगा। तो हाल ही में हेमंत सोरेन के द्वारा यहां पे घोषणा किया गया है कि जो भी हॉस्टल हैं वहां पे छात्र लोग पढ़ते हैं तो उनको निःशुल्क जो है चावल मुहैया कराया जाएगा और इसके अलावा दाल मुहैया कराया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे राइट हो जाएगा, यानी कि चावल और दाल उनको जो है मुहैया कराया जाएगा। और इसके अलावा यह भी बोला गया है कि जो भी हॉस्टल में काम करने वाले रसोईया है, यहाँ पर जो भी सुरक्षा गार्ड है और इसके अलावा जो भी आवश्यक सामग्री होते हैं वो सरकार के द्वारा जो है यहाँ पे मुहैया यानी कि व्यवस्था कराया जाएगा। ये भी बोला गया कि जो भी हॉस्टल में रहने वाले छात्र हैं, जो प्रशासनिक सेवाओं के बारे में वहाँ पे तैयारी करते हैं, उनके लिए कोचिंग और लाइब्रेरी की भी व्यवस्था किया जाएगा। और एक और चीज़ आप लोग को बता दूँ कि 15 नवंबर 2022 की अगर बात करें हम लोग, तो झारखंड अपना जो है 22वां स्थापना दिवस मनाएगा, यानी कि हम लोग 22वां स्थापना दिवस मनाएंगे। इस अवसर पर जो है झारखंड में दो योजना शुरू करने की बात किया गया। एक तो आपका सीएम सारथी योजना, जो सीएम सारथी योजना लाया जाएगा, ये योजना किसके लिए रहेगा, तो जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी करते हैं, जो कि जिनको पैसा के कहीं ना कहीं दिक्कत होता है, तो उनको जो है सरकार के द्वारा जो है यहाँ पे व्यवस्था कराया जाएगा, उनको निःशुल्क जो है कोचिंग वगैरह की व्यवस्था किया जाएगा। और यहाँ पे गुरु जी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू किया जाएगा। गुरु जी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बोलेगा कि कौन सा राज्य सरकार में शुरू किया जाएगा, तो झारखंड राज्य सरकार में। झारखंड की अगर बात किया जाए, यहाँ पे रोहिणी त्यौहार मनाया जाता है और सरहुल त्यौहार भी यहाँ पे मनाया जाता है। झारखंड में अभी पूछे कि अभी गवर्नर बताइए कि कितनवे नंबर के गवर्नर हैं, तो 10वें नंबर के गवर्नर हैं और इनका नाम क्या है, तो इनका गवर्नर का नाम है यानी कि राज्यपाल का नाम क्या है, रमेश बैस नाम हो जाएगा, रमेश बैस हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, दो नंबर बोला कि पलामू टाइगर रिजर्व के कुरोकला गांव में एटलस मौत मिला है, यह देखने में कैसा लगता है। तो ये देखने में अगर बात किया जाए तो ये तितली के जैसा लगता है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में इनका आकार जो है तितली के जैसा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, एटलस मौत इसका नाम है, जो कि पलामू टाइगर रिजर्व में देखने को मिला था। पलामू टाइगर रिजर्व में जो है हाल ही में बोला जा रहा है कि हिरण नस्ल संवर्धन केंद्र भी बोला जाएगा, हिरण नस्ल संवर्धन केंद्र बनाया जाएगा यहाँ पे पलामू टाइगर रिजर्व। पहले यहाँ पर देखा जाए तो हिरण की संख्या पिछले 10 साल पहले 10,000 के करीब था, अब सिमट के वो 4,000 के करीब हो गया। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए कि पलामू टाइगर रिजर्व में जो टाइगर है, टाइगर का सबसे मनपसंद जो भोजन होता है वो हिरण यानी कि चौस है, ऐसे जंगली भैंसा वगैरह भी वो खाता है, मगर सबसे ज़्यादा जो होता है, सबसे ज़्यादा अगर तवज्जो देता है वो तो हिरण को। तो हिरण नस्ल संवर्धन केंद्र भी जो है पलामू टाइगर रिजर्व में खोलने की बात किया गया है। एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, बहुत सारे लोग को पता नहीं रहता है इस सेशन के बारे में। इसमें केवल और केवल हम लोग झारखंड करंट को कवर करेंगे। पिछला जो 8 तारीख से लेकर यानी कि 8 सितंबर से लेकर जो 14 सितंबर तक बनते हैं बीच में जो भी महत्वपूर्ण झारखंड करंट अफेयर उसको कवर करेंगे। और ये रिवीजन पर्पस से वीडियो है, ये केवल और केवल रिवीजन पर्पस से ये वीडियो बनाया जाता है। इसके लिए अगर आपको डीप में एनालिसिस चाहिए तो आप सुबह में जो 7 बजे का वीडियो आता है उसको देखिएगा। झारखंड कराटे डू एसोसिएशन के द्वारा पिछले दिनों रांची में आयोजित राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में प्रथम स्थान कौन सा जिला ने प्राप्त किया है। तो यहाँ पे राज्य स्तरीय जो कराटा चैंपियनशिप हुआ उसमें प्रथम स्थान रांची ने प्राप्त किया, दूसरा जो आया तो वो पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा की अगर बात किया जाए तो पूर्वी सिंहभूम। वहीं पे पश्चिमी सिंहभूम का हेडक्वार्टर अगर पूछ दिया जाए कि मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा और पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत सारे लोग को होता है, तो पश्चिमी सिंहभूम की अगर बात किया जाए तो पश्चिमी सिंहभूम का कहाँ पर हो जाता है ये भी याद रखना है, तो ये चाईबासा हो जाएगा, चाईबासा हो जाएगा। और पूर्वी सिंहभूम का कहाँ हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाता है। जमशेदपुर का पुराना नाम क्या होता है, तो जमशेदपुर का पुराना नाम जो है ये साक्ची है, और जमशेदपुर को हम लोग औद्योगिक राजधानी के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में विख्यात है और जमशेद जी टाटा के नाम पर जमशेदपुर शहर को पूरा का पूरा रखा गया है नाम।
अगला सवाल चार नंबर, भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ ने गुजरात में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल के लिए जज की भूमिका निभाने वाले झारखंड से किन्हें चयन किया गया है। यानी कि 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि कहां पे आयोजित होगा, ये गुजरात में आयोजित होगा, उसके लिए जो है झारखंड से किन्हें चुना गया है, तो दीप कुमार मांझी को और दीपक कुमार साहू। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी यहाँ पर दोनों आंसर चला जाएगा। और ये आयोजन जो होगा 30 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर 2022 तक होगा। और जब एक और सवाल आता है, आर के आनंद से सवाल आएगा कि पूछेगा कि झारखंड ओलंपिक संघ एवं जिम्नास्टिक संघ के चेयरमैन कौन है, तो आपको बताना होगा आर के आनंद। अगला सवाल पांच नंबर, जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की शहादत देने वाले गोवा गोलीकांड के अमर शहीदों का शहादत दिवस हाल ही में मनाया गया, तो कितना तारीख को मनाया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 सितंबर 2022 को मनाया गया ये रिसेंट में। और एक और चीज आता है कि विश्व आदिवासी दिवस, अगर पूछ दे कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व आदिवासी दिवस जो है ये हम लोग पिछले महीना यानी कि 9 अगस्त को मनाए थे। वहीं 8 अगस्त को जो डे है ये किन से जुड़ा हुआ है, तो शहीद निर्मल महतो से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस दिन शहीद निर्मल महतो का पुण्यतिथि मनाते हैं। तो पूछेगा कि शहीद निर्मल महतो का पुण्यतिथि कब मनाया जाता है, तो आप लोग को बताना होगा 8 अगस्त। 8 सितंबर क्या चला जाएगा, ये गोवा गोलीकांड के अमर शहीद का शहादत दिवस के रूप में, क्योंकि 8 सितंबर 1980 का वो समय था जब गोवा गोलीकांड हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पश्चिमी सिंहभूम में हुआ था, जिसमें 11 आदिवासी जो होते शहीद हो गए थे। इसमें अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस नियम का भी उल्लंघन हुआ था। इसमें उल्लंघन करने का रीजन क्या है कि देखिए, रेड क्रॉस नियम है कि कोई भी अगर अस्पताल है वहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है वहां पर लाठीचार्ज जैसी स्थिति नहीं, या उनको गिरफ्तार करके ले जाया नहीं जा सकता है। तो वहां पर कहीं ना कहीं रेड क्रॉस नियम का भी उल्लंघन हुआ था, वहां पर भी गोलीबारी हो गया था। गोवा गोलीकांड जो हुआ था वहां पर नरसंहार जो हुआ था, इसमें जो है शहीद होने वाले लोग का नाम लिखा हुआ है। आप लोग इतना याद नहीं करना है, केवल याद रखिएगा डे के साथ आखिर कब हुआ था। और उस समय 1990 यानी कि 10 साल बाद, 1980 के बाद देखिएगा, 10 सालों के बाद जो गोवा साप्ताहिक हाट मैदान है वहां पे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो है वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उस समय सांसद थे जिनका नाम था कृष्णा मारंडी, उनके द्वारा जो है वहां पे शहीद स्थल का भी निर्माण कराया गया है। चलिए गुड इवनिंग सभी लोगों को। अगला सवाल 6 नंबर के, 29 से 31 अगस्त तक रायबरेली जो कि यूपी में है वहाँ पे आयोजित हुआ था 87वीं अखिल भारतीय अंतर रेलवे एथलेटिक चैंपियनशिप। वहाँ पे लंबे कूद एथलीट यानी कि लंबे कूद एथलीट हैं प्रियंका केरकेटा, इन्होंने कौन सा पदक जीता, तो इनके द्वारा यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता था। और किन के लिए ये खेली थी, तो पूर्वी रेलवे के लिए खेले थे। और ये कहाँ के रहने वाली हैं, तो आप लोग को याद रखना है ये रांची की रहने वाली हैं, रांची की रहने वाली हैं। अगला सवाल 7 नंबर की, जमशेदपुर की धरती से हिंदी दैनिक प्रभात खबर का प्रकाशन कब शुरू हुआ था, जिसने हाल ही में 27 वर्ष पूरा कर लिया। यानी कि जो जमशेदपुर में जब इसका प्रकाशन हुआ था तो वहां पर जो है 27 साल पूरा कर लिया, तो 8 सितंबर 1995। यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किनका आंसर नहीं आ रहा है, चलिए आंसर भी आप लोगों को करते रहना है। चलिए अरविंद आपका दोस्त, चलिए बहुत अच्छा, विजय, जानवी, अंकित, चलिए सभी लोग रेगुलर जुड़िए, ताकि ये देखिए ये वीडियो जो है ना ये जो है रिवीजन पर्पज से केवल बनाया जाता है इस वीडियो को, तो इस वीडियो को देखना नहीं भूलना है। एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे 8 सितंबर क्या हो जाएगा, 1995 हो जाएगा, और यहाँ पर राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसको बता दे, प्रभात खबर को जमशेदपुर में क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ पीके के नाम से, पीके का मतलब होता है P4 प्रभात और K4 खबर हो जाता है। कुल्हान प्रमंडल में जो जिले आते हैं जैसे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, वहाँ पे जो है प्रभात खबर, लोकल न्यूज की अगर बात किया जाए प्रभात खबर जो है लोकल न्यूज में सबसे ज्यादा जो है पॉपुलर है। अगला सवाल 8 नंबर के, बुंडू अनुमंडल ने 2022 में अपना 19वां स्थापना दिवस मनाया, ये किस जिला के अंतर्गत आता है। चलिए बताइए कि बुंडू में एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसका नाम क्या है। बुंडू जो अनुमंडल है वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो है यहाँ पर जो देखने को मिलेगा एक मंदिर है, उसका नाम बताना है। 19वां स्थापना दिवस यानी कि इसकी स्थापना जो हुआ था बुंडू अनुमंडल का, वो 7 सितंबर 2003 को हुआ था। तो 7 सितंबर 2003 को इसका स्थापना हुआ, तो यह किस जिला के अंतर्गत आता है, तो रांची जिला के अंतर्गत आता है। गिरिडीह में आपको क्या देखने को मिलेगा, पारसनाथ पहाड़ी।
देखिए कि पारसनाथ पहाड़ी कहाँ देखने को मिलेगा, तो गिरिडीह में। चतरा में क्या देखने को मिलेगा, भद्रकाली मंदिर परिसर, भद्रकाली मंदिर परिसर जो कि इटखोरी में है। रांची में आपको क्या देखने को मिलेगा, देवड़ी मंदिर देखने को मिलेगा। यहीं पे पहाड़ी मंदिर भी आप लोग को देखने को मिलता है, पहाड़ी मंदिर यहाँ पर देखने को मिलता है। देवघर की अगर बात किया जाए तो देवघर में आपको नौलखा मंदिर देखने को मिलेगा, नौलखा मंदिर देखने को मिलेगा देवघर में। बाबा बैद्यनाथ मंदिर भी यहाँ पर देखने को मिलता है, बाबा बैद्यनाथ मंदिर अगर पूछ दे कहाँ पर देखने को मिलेगा देवघर में। इसके अलावा देवघर में अगर बात की जाए तपोवन देखने को मिलेगा, यहीं पे जो है त्रिकुट, त्रिकुट पहाड़ देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहीं पे देवघर में अगर बात किया जाए तो नंदन पहाड़ भी यहीं पे स्थित है, नंदन पहाड़ हो जाएगा, त्रिकुट पहाड़ हो जाएगा, तपोवन यहाँ पे, बाबा बैद्यनाथ धाम यहाँ पर देखने को मिलता है। देवघर में ही लीला मंदिर भी स्थित है, लीला मंदिर भी स्थित है, ये भी याद रखना होगा आप लोगों को। अगला सवाल है 9 नंबर, द रांची प्रेस क्लब द्वारा आयोजित हुआ था मीडिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट जिसका आयोजन 11 से 18 सितंबर तक हुआ, तो इसका विधिवत घोषणा किसने किया था। खोटा क्लास होगा सर, चलिए खोटा क्लास के लिए आप लोग को बता दिया जाएगा। चलिए एक बार जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है ना वहां से आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, वहां से आप लोग को जानकारी मिल जाएगा। चलिए अरविंद आपका दोस्त आज पहली बार क्लास है, आज जिनका भी पहला क्लास है आप लोग सुबह में 7 बजे जुड़िए, सुबह में 7। ये देखिए ये वीडियो जो है केवल और केवल रिवीजन पर्पस है, ये चीजें पढ़ाया हुआ रहता है, हम एक जगह केवल और केवल झारखंड करंट अफेयर को इकट्ठा करते हैं। तो आप लोग सुबह 7 बजे जुड़िए जहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, झारखंड करंट अफेयर और झारखंड एस्थेटिक जीके यानी कि झारखंड जीके के जो भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं जो टॉपिक वाइज विथ पिक्चर, हमारा पढ़ाने का एक अंदाज है कि जब भी हम पढ़ाएंगे आप लोग को पिक्चर के साथ में आप लोग को पढ़ाएंगे। लके जुड़े हुए स्टार क्रिएशन, चलिए यहाँ पर, हाँ चलिए एक और है, क्या नाम है, कांग्रेस कुमार शर्मा। चलिए जो भी नाम है अगर हम नाम लेने में अगर असुविधा होता है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि नाम थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना पढ़ने में होता क्या है। और यहाँ पे स्टार क्रिएशन, गोपाल कुमार, ओम यादव, चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीडिया का फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, इनका नाम है मिथिलेश कुमार ठाकुर। और ये कहाँ से विधायक है, तो ये जो है गढ़वा से विधायक है, और गढ़वा जो है झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से लगा, एक यूपी से भी लगा हुआ है, एक आपका बिहार से लगा हुआ है और एक आपका छत्तीसगढ़ से भी लगा हुआ है। और ये गढ़वा से जो विधायक है मिथिलेश कुमार ठाकुर, ये कौन से विभाग के मंत्री हैं, तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के, झारखंड कैबिनेट में मंत्री हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मैच हुआ ये बिरसा मुंडा फुटबॉल जो स्टेडियम है वहाँ पे हुआ, और इसमें 8 टीमें हिस्सा लिए, और जितना भी टीम था सबका नाम जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो नदी के नाम पर है, जैसे कोई नदी का नाम जैसे दामोदर के नाम पे है, किसी का नाम जो है गंगा के नाम पे रखा गया है, कोई का नाम भैरवी के नाम पे रखा गया है, तो ये कहीं ना कहीं नदियों के नाम पर जो है ये रखा गया है। अगला सवाल है 10 नंबर, 17 सितंबर 2022 से प्रतिदिन जो है गोड्डा से कोलकाता तक कौन सा एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी, गोड्डा से लेकर कोलकाता तक जो है स्पेशल ट्रेन जिसका नाम है सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक हाल ही में यानी कि 23 सितंबर 2022 को एक ट्रेन शुरू किया जाएगा जो कि जसी डी से जाएगा बेंगलुरु तक, जसी डी से कहां तक जाएगा, बेंगलुरु तक जाएगा। और जसी डी कहां पर देखने को मिलेगा जल्दी से बताइए, एक जसी डी ये कहां पर देखने को मिलेगा, कौन सा जिला में जसी डी देखने को मिलेगा। 17 सितंबर जो होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है जन्मदिन के रूप में मनाते हैं हम लोग, और 17 सितंबर 2022 में वो कितने साल के हो गए हैं, वे 72 साल के हो गए हैं, 72 साल के हो गए हैं। गोड्डा से अभी सांसद जो हैं भारतीय जनता पार्टी से हैं, बहुत चर्चा में रहते हैं, जिनका नाम क्या है, निशिकांत दुबे नाम है, निशिकांत दुबे उनका नाम है, ये भी याद रखना होगा आपको। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 10 नंबर हो गया, जसीडीह कहाँ पर देखने को मिलेगा, देवघर सही आंसर होगा, चलिए देवघर मेरा घर है। चलिए स्टार क्रिएशन, और यहाँ पे पीएम के जन्मदिन पर इसे शुरुआत किया गया, गोड्डा से जो है इसका टाइमिंग जो है 8:45 में है, और ये जो है यहाँ पे 18:35 में सियालदह पहुंचेगी। और ये केवल जान लेना है जो गोड्डा से बिलोंग करते हैं उनके लिए है, बाकी इतना डीप में सवाल नहीं पूछता है कभी। अगला सवाल 11 में कि बोल रहा है कि झारखंड के किसान कृषि संयंत्र से लैस होंगे, यानी कि झारखंड के जितने भी किसान हैं वो कृषि संयंत्र से लैस हो जाएंगे, इसके लिए राज्य सरकार के जो कृषि विभाग है उसने कितने करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 72 करोड़। आप लोग बताइए कि झारखंड में अभी वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, झारखंड में वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है।
12 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का एक रिपोर्ट आया पिछले साल का, जब भी रिपोर्ट आता है तो एक साल पीछे का आता है, तो उसके अनुसार देश भर में साइबर आतंकवाद के कुल 15 मामले दर्ज किए गए, जिनमें झारखंड में कितने मामले दर्ज किए गए। तो ये कुल मामला अगर साइबर आतंकवाद से अगर बात किया जाए, साइबर टेररिज्म से, तो उसमें 15 मामला दर्ज किया गया, जिसमें झारखंड में कितने, तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 जो मामला दर्ज करने वाले 3 राज्य थे, जिसमें झारखंड था, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो देखिए 3-3 यहाँ है, तो 9 तो इधर हो गया, बाकी बचा 6 है ना, 9, 6, 15 हो जाएगा। तो 6 कौन कौन है, कर्नाटक, केरल, मेघालय, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड में एक एक मामला दर्ज किया गया। आप केवल ये याद रखिए कि झारखंड में कितना मामला दर्ज किया गया, 3 याद रखना है। अगला सवाल 13 नंबर बोल रहा है कि पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में दर्जनों दुर्लभ कौन सा पक्षी का हाल ही में मौत हो गया है, यानी कि लगभग में 12 से 15 जो है पक्षी का हाल ही में मौत हो गया है। इस पक्षी को यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसका नाम है नाइटजार, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पे लोगों के द्वारा बोला है कि या तो ये बर्ड फ्लू के कारण मरे होंगे, या कोई फसल वगैरह जो है वहाँ पे कीटनाशक वगैरह डाल दिए होंगे, जिसके वजह से इसको स्थानीय भाषा में अगर वहाँ के जो लोग हैं जो इसके करीब में रहते हैं वो चपका के नाम से इसको जानते हैं। इसको देख सकते हैं ये वाइट कलर का है, पंख जो है नीचे हल्का जो है सफ़ेद धारी जैसा बना हुआ है, और ये ज़्यादातर ऊँचाई वाले चट्टान हो गया, टीला हो गया, या पत्थर एवं झाड़ी जो जैसा इलाका रहता है वहाँ पर अपने ठिकाने यानी कि घोंसला वगैरह बनाता है। और ये पक्षी जो है साल में केवल 2 अंडे देते हैं, ये भी याद रखना है। 14 नंबर सवाल है, बोला है कि झारखंड राज्य में 16 से 30 सितंबर तक कौन सा अभियान कार्यक्रम चलेगा। 16 से 30 सितंबर तक जो है फाइलेरिया उन्मूलन अभियान, फाइलेरिया जिसको हाथी पांव के रूप में भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल, कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि तक का ऋण मिलेगा। बोला जा रहा है कि कल्याण विभाग जो झारखंड सरकार है उसके द्वारा जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चलाया जाता है, तो अधिकतम राशि कितना दिया जाएगा, ये है 15 नंबर सवाल। चलिए 15 नंबर का सही आंसर करिए, चलिए 15 नंबर का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, 25 लाख आ जाएगा। किन का आंसर है, अशार क्रिएशन का आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 लाख हो जाएगा। और अधिकतम यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि इसके लिए जो पात्र होंगे, जो ऋण लेने वाले 18 से 50 वर्ष के लिए, और 25 लाख तक मिलेगा ऋण, और इस पे जो 40% जो है सब्सिडी देने की भी व्यवस्था है, यानी कि जो 25 लाख लीजिएगा तो उसमें 40% यानी कि अधिकतम जो है 5 लाख रुपया तक का जो है आपको सब्सिडी देने की व्यवस्था है। अगर 50,000 रुपया लेते हैं आप इस योजना के तहत, तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत, तो आपको कोई गारंटर की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो आप इसके अलावा अगर लेते हैं 50,000 से ज़्यादा लेते हैं, तो आपको गारंटर की जो है यहाँ पे जो गारंटी दे कि आप पैसा उनका चुका देंगे, तो उनको भी यहाँ पर मेंशन करना होगा। अगला सवाल 16 नंबर है कि इंदर सिंह नामधारी हाल ही में अपना जन्मदिन मनाया, ये झारखंड विधानसभा के कितनवे अध्यक्ष रहे हैं। इंदर सिंह नामधारी के बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने अपना हाल ही में बर्थडे मनाया, तो ये झारखंड विधानसभा के पहले पहले अध्यक्ष रहे हैं। आप लोग वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष बताइए, वर्तमान में जो झारखंड विधानसभा है वहाँ पे अध्यक्ष कौन है, जल्दी से बताना है। और ये पूर्व में जो है सांसद भी रहे हैं, चतरा से पूर्व में ये सांसद रहे हैं, अभी वर्तमान में चतरा से सांसद कौन है, तो इनका नाम है सुनील सिंह नाम है, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, ये भी याद रखना होगा। और ये 6 बार जो है यानी कि इंदर सिंह नामदारी की बात करें तो 6 बार जो है विधायक भी रह चुके हैं, जाने माने जो लेखक भी हैं, स्पीकर भी रहे हैं, इसके अलावा जो है राजनेता तो है ही, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। रविंद्रनाथ महतो जो कि वर्तमान में अध्यक्ष हैं विधानसभा के, और कहाँ से विधायक हैं, तो नाला से विधायक हैं, और कौन से पार्टी से हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से। अगला सवाल 17 नंबर, झारखंड के कौन सा रेलवे स्टेशन पे एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के स्टॉल का शुभारंभ किया गया। एक स्टेशन एक उत्पाद जो योजना का स्टॉल का शुभारंभ जो किया गया रांची में किया गया, जल प्रपातों का शहर, यानी कि रांची को हम लोग जल प्रपातों का शहर के रूप में जानते हैं, और इसी को झारखंड का शिमला के रूप में भी जानते हैं। झारखंड का शिमला अगर पूछ दिया जाए किसे कहा जाता है, रांची को कहा जाता है, धनबाद को हम लोग कोयला नगरी के रूप में जानते हैं। ये जो स्टेशन होगा जहाँ पे एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का होगा, इसमें क्या है कि हाथ से बुना हुआ थैला मिल सकेगा, यहाँ पे विभिन्न प्रकार का जो जूट बैग होते हैं, या आयुर्वेदिक पाचक चूर्ण होते हैं, या अचार वगैरह लेना है तो वहाँ पर जाकर अचार वगैरह भी मिल जाएगा। और ये जो है कहीं ना कहीं देखा जाए हस्तशिल्प को ये बढ़ावा देता है, और इसका संचालन जो है जो बुंदेलखंड महिला विकास संगठन है जो कि बरवा डी झारखंड में है, वहाँ के जो लोगों के द्वारा इसका संचालन किया गया है।
अगला सवाल 18 नंबर के, सक्षम तिवारी झारखंड के कौन सा जिला के निवासी हैं जो अपनी आवाज़ का जादू जो है ऑस्ट्रेलिया और फिजी में दिखाएंगे। तो सक्षम तिवारी के बारे में बोल रहा है कि ये झारखंड के कौन सा जिला के निवासी हैं, जल्दी से बताइए। चलिए सभी को गुड इवनिंग, जो भी लेट से सेशन को जुड़े हैं आप जाके एक बार रिविजन कर लीजिएगा, पीछे वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सही आंसर सिमडेगा हो जाएगा। सिमडेगा को हम लोग हॉकी कैपिटल ऑफ झारखंड यानी कि झारखंड की हॉकी राजधानी के रूप में जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी जो है सिमडेगा से बिलोंग करते हैं। चलिए आप लोग बताइए कि सिमडेगा से बिलोंग करने वाले कुछ हॉकी खिलाड़ी का अगर नाम आप लोग रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो जरूर इसके बारे में हम बहुत बार बताए हैं, तो आप लोग बताइए जल्दी से। सिमडेगा को खेल नगरी के रूप में भी जाना जाता है, झारखंड का खेल नगरी के रूप में भी इसको जाना जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग को पता नहीं रहता है कि ये सेशन कब है, तो जैसे ही रिकॉर्डेड वीडियो हो जाएगा तो आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड में जो सिमडेगा जिला है वहाँ पे कोलेबेरा से ये बिलोंग करते हैं, और ये कहाँ पर जाएंगे तो ये जाएंगे फिजी और ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि कोलकाता, बड़े बड़े शहर जो है कोलकाता, मुंबई और झारखंड में भी अपनी जो है प्रस्तुति, रांची जैसे जिलों में भी अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं, तो यहाँ पर ये जाना माना नाम है। अगला सवाल 19 नंबर के, WMC इंडिया रैंकिंग सीरीज प्रतियोगिता में झारखंड मुथाई टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो यहाँ पे झारखंड मुथाई टीम के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुल इनके द्वारा कितने पदक जीते गए हैं जल्दी से बताइए। निक्की प्रधान खुंटी से बिलोंग करते हैं, निक्की प्रधान जो है खुंटी से बिलोंग करते हैं, ये नहीं होगा निक्की प्रधान खुंटी से बाबू, याद रखना है। इसके अलावा संगीता कुमारी जो है जो कि आपका सिमडेगा से बिलोंग करते हैं, इसके अलावा जो है संगीता कुमारी के अलावा जो आपको याद रखना है एक और नाम है जो कि सुमराय टेटे नाम है, सुमराय टेटे ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, सिमडेगा से। चलिए यहाँ पे 19 नंबर का सही आंसर करिए, 19 नंबर आपके स्क्रीन पे है तो 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि झारखंड मुथाई टीम ने 5 पदक में अगर बात किया जाए तो एक इसमें 5 पदक में जो है एक स्वर्ण था और बाकी बच गया कितना, 4, तो 4 क्या था, तो 4 रजत पदक था। यहाँ पर एक स्वर्ण और 4 रजत पदक जीता गया, अमल मंडल के द्वारा जो है स्वर्ण पदक, प्रिंस कुमार, युवराज, राज ठाकुर और शशांक ने रजत पदक, ये नहीं याद करना है, इतना डीप में नहीं पूछा जा सकता है कोई भी करंट अफेयर को, केवल आपको डायरेक्ट सवाल पूछेगा कितना मेडल आया था। अगला सवाल 20 नंबर के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिवंगत नेता व झारखंड राज्य आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की 10 सितंबर को कितनवीं जयंती मनाई गई। आपको ये भी पता होना चाहिए दुर्गा सोरेन जो हैं वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके भाई हैं दुर्गा सोरेन, इनका जो है जयंती हाल ही में 10 सितंबर को मनाया गया, कितनवीं जयंती मनाया गया, ये आपका 20 नंबर सवाल है। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 54। 40 यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार चलना है, तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 54, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यहाँ पे बता दूं कि ये 2 बार जो है विधायक चुने गए हैं, एक बार 1995 में और एक बार 2000 ईस्वी में। और यहाँ पर ये कहाँ से विधानसभा के इलाका के लिए लड़ते थे, तो दुमका जिला में जो जामा विधानसभा है वहीं से। अभी वर्तमान में जामा विधानसभा से जो विधायक है इन्हीं की पत्नी है जिनका नाम है सीता सौरे नाम है, और 2009 में इनका जो मृत्यु हो गया था 21 मई को, और उसमें ये मात्र 40 वर्ष की थी, इनकी मौत जो है कथित तौर पर ब्रेन हेमरेज होने के कारण हो गया था। अगला सवाल 21 नंबर के, हाल ही में किन्हें निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन द्वारा सम्मानित किया गया है। तो निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन द्वारा महुआ माझी को, जो कि जानी मानी लेखिका हैं, और इसके अलावा आपको 2-3 चीज और याद रखना है कि ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और वर्तमान में ये झारखंड से राज्यसभा के मेंबर हैं, और कब तक रहेंगे तो 2022 से लेकर, देखिए जो राज्यसभा का मेंबर रहते हैं उनका कार्यकाल 6 सालों का होता है, तो 2028 तक हो जाएगा, 2028 तक। अगला सवाल 22 नंबर कि झारखंड में महिंद्रा इलेक्ट्रिक ओकाया कंपनी का नाम है, महिंद्रा इलेक्ट्रिक और ओकाया समेत करीब एक दर्जन कंपनियां ने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट और बैटरी प्लांट या चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए जो है रुचि दिखा रहा है, निवेश करने की बात कर रहा है, तो इन कंपनियों ने राज्य सरकार से प्लांट लगाने के लिए कितने एकड़ तक जमीन मांग की है, यानी बोल रहा है कि कितना एकड़ उसको जमीन मिलेगा वो, ताकि वहां पे चार्जिंग स्टेशन वगैरह लगा सकता है। जल्दी से इसका आंसर करिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये 22 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे। योगेंद्र कुमार जुड़े हैं, सुप्रिया सोनल, कि जो भी सेशन पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए सेशन को एक बार, और बाद में इस वीडियो को आप लोग को शेयर भी कर देना है, क्योंकि ये बताइए कि एक ये पढ़ाया हुआ चीज को पुनः एक बार आप लोग को पढ़ाते हैं ताकि आप लोग को कभी दिक्कत ना हो किसी चीज का, ताकि रिवीजन मस्ट होना चाहिए, रिवीजन बहुत जरूरी है किसी भी चीज को अगर याद करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 से 50 एकड़ तक की जमीन मांगा जा रहा है कि ताकि वहां पे जो है
यहाँ पर सर जो है प्लांट लगाने, जैसे बैटरी प्लांट हो जाएगा, चार्जिंग स्टेशन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा ना, 10 से 50 एकड़ हो जाएगा। अगला सवाल है, उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो निर्माण किया जा रहा है, यहाँ पर बैटरी है, चार्जिंग स्टेशन, ये सब लगाने की बात किया जा रहा है। हाल ही में जनजातीय सलाहकार परिषद के उप समिति का सदस्य किन्हें बनाया गया है, तो जनजातीय सलाहकार परिषद के उप समिति के रूप में जो है यहाँ पे मेंबर बनाया गया है शिल्पी नेहा तिर्की, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी से, और ये वर्तमान में झारखंड के विधायक है, यानी कि झारखंड में अभी वर्तमान में विधायक की संख्या कितना है, 81 विधायक, उनमें से एक नाम शिल्पी नेहा तिर्की का आता है, और सबसे कम उम्र की वर्तमान में झारखंड में जितने विधायक हैं उनमें सबसे कम उम्र की अगर बात किया जाए, सबसे कम उम्र के विधायक कौन है, तो शिल्पी तिर्की, और कहां से ये विधायक है, तो मांडर से हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मांडर जो विधानसभा क्षेत्र आता है ये कौन सा जिला के तहत आता है, जल्दी से बताना है आप लोगों को। और यहाँ पर एक और चीज़ याद रख लीजिएगा कि जनजातीय सलाहकार परिषद है उनका जो अध्यक्ष वर्तमान में जो है कौन है, तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक है जिनका नाम है अशिफन मरांडी, तो ये भी आप लोग को याद रखना होगा। अगला सवाल है 24 नंबर, सेल के नए निदेशक जो कि तकनीकी को संभालेंगे परियोजना से संबंधित और रॉ मटेरियल को, तो ये कार्यभार किसने संभाला है, इनका नाम है अरविंद कुमार सिंह, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए ऋषि कुमार जुड़े हैं, सजदा खान, दिलीप यादव, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरविंद कुमार के बारे में आपको बता दूं कि ये जो अपना कार्यभार संभाले 3 सितंबर को ही संभाले थे, और ये जो पहले जो थे इसको अशील प्लांट के कार्यपालक निदेशक के रूप में थे। अगला सवाल 25 नंबर के, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में सुखाड़ की समीक्षा करते हुए कौन सी योजना शुरू करने का आदेश दिया है, तो यहाँ पर सुखाड़ जैसी स्थिति है तो इसके लिए बोला गया है यहाँ पे कि 1 लाख कुआं का निर्माण किया रही है आप लोग, 1 लाख तालाब का निर्माण करने की बात किया गया है, जो भी यहाँ पर सभी जगह मिला के जितने भी 2400 जिला हैं सब जगह मिला के बात कर रहे हैं हम लोग, प्रत्येक गांव जितने भी गांव हैं वहाँ पर 5 योजनाएँ चलाने की बात किया जा रहा है, कच्चे काम से रोक हटेगी, यानी कि एकदम पक्का काम होना चाहिए वहाँ पर, जितने भी विभाग है जैसे यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है, शिक्षा विभाग है, तो सब विभाग मिलाकर 2000 करोड़ की योजना के बनाने की बात किया जा रहा है, कहीं कहीं आपको 2.5 करोड़ भी लिखेगा, यानी कि 2500 करोड़ जो है यहाँ पे 2500 करोड़ की योजना बनाने की बात किया जा रहा है, और पेंशन की राशि जो है प्रत्येक माह की 5 तारीख को निर्गत किया जाएगा, जो कि वाकई में यहाँ पे हो भी रहा है, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल 26 नंबर के, झारखंड के कौन सा जिला के निवासियों के लिए राउरकेला का एक अस्पताल है जिसका नाम है जयप्रकाश अस्पताल प्रबंधक, मरीजों का आने और जाने के लिए फ्री में वाहन की व्यवस्था किया जाएगा, केवल आपको राशन कार्ड वगैरह अगर रहेगा उस पर जहाँ पे नाम मेंशन हो या आधार कार्ड होना चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका 26 नंबर सवाल है, 26 का सही आंसर सिमडेगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और सिमडेगा से वर्तमान में जो विधायक अगर बोले कि कौन है, तो भूषण बाड़ा के द्वारा इसको हरी झंडी जो है 18 सितंबर को जो है दिखाया गया, यानी कि हरी झंडी जो मिला कब, 18 सितंबर को, और इसके लिए मरीजों को आधार कार्ड लाने की बात किया जा रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष के रूप में राज्य सरकार ने किन्हें पदस्थापित करने का निर्णय लिया, ये पहली महिला होंगे जो कि जेपीएससी के अध्यक्ष बनेंगे, इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले बताइए कि जेपीएससी का अध्यक्ष कौन थे, ये भी आप लोगों को बताना है। तो जेपीएससी के अभी नए पद स्थापित करने का निर्णय किन्हें लिया गया है, तो मेरी नीलिमा केरकेटा को, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और पूर्व में अध्यक्ष थे अमिताभ चौधरी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, यानी कि 16 अगस्त को हुआ था, यानी कि 15 अगस्त के एक दिन बाद 16 अगस्त को इनका निधन हो गया था। और मेरी नीलिमा जो है ये महाराष्ट्र कैडर की है, ये भी याद रखना होगा। अगला सवाल 28 नंबर के, हाल ही में झारखंड उत्पाद विभाग ने राज्य में प्रतिदिन औसतन जो है लगभग में बोल सकते हैं कि 25 करोड़ रुपए की शराब बिक्री करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, क्योंकि इसलिए निर्धारित करना पड़ा कि जो भी टारगेट दिया गया था टारगेट फेल हो गया, उतना नहीं हो पा रहा है, यानी कि अब यहाँ पर जबरदस्ती जो शराब बेचने की बात कही जा रही है। राज्य में नई उत्पाद नीति कब से लागू की गई थी, तो राज्य में जो है नई उत्पाद नीति जो है ये मई 2022 में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपको बताते चले यहाँ पर कि जो बोला गया है कि शराब से जो राजस्व का निर्धारण करने की बात किया गया है, जिसमें रांची से बोला गया कि प्रतिदिन आप लोग जैसे प्रतिदिन 24 से 25 करोड़ चाहिए ना लगभग में, तो उसमें जो रांची को बोला गया कि आपके यहाँ से जो है 3.6 बैग यानी कि 3.5 करोड़ रुपया लगभग में आपको शराब बेचने के देना होगा। दूसरा नंबर पे धनबाद को बोला गया कि 3.5 करोड़ तक का रुपया का आप शराब बेचिए। रोजाना की बात करें जमशेदपुर को बोला गया है कि आप लगभग में यहाँ पे बोला गया है कि 3 करोड़ बोल सकते हैं कि 3 करोड़ का शराब जो है प्रतिदिन आपको जो है यहाँ पर बेचना पड़ेगा।
और इसके अलावा आपको बता दूं कि जब शुरुआत में जब ये नीति लाया गया था उसमें बोला गया था कि जो है अगस्त महीने तक जो है 1743 करोड़ रुपए की राजस्व वसूल किया जाएगा, परंतु क्या हुआ कि 1006 करोड़ रुपया ही मिल पाया था, जिसके कारण देख सकते हैं 737 करोड़ रुपया कम हो गया। इसी को पूरा करने के लिए बोला गया है कि जल्दी से जल्दी जो है 25 करोड़ रोजाना अगर बिक्री होता है तो ये जो लक्ष्य जो है रखा गया था वो पूरा कर लिया जाएगा। अगला सवाल 29 नंबर है कि झारखंड खेल नीति 2022 का लोकार्पण 13 सितंबर 2022 को कौन किए, यानी कि इसका लोकार्पण यानी कि उद्घाटन हो गया है, और यहाँ पर सही आंसर हेमंत सोरेन हो जाएंगे जो कि झारखंड के 11वें सीएम हैं जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं, ये याद रखना है। हेमंत सोरेन के बारे में और चीज़ आप लोगों से पूछे तो आप लोग बताइए, चलिए कमेंट में बताइए कि हेमंत सोरेन ये कितनवीं बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं, ये BIT जो है ना BIT बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ जो टेक्नोलॉजी होता है वहाँ से पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर बताना है आप लोगों को हेमंत सोरेन के बारे में कि ये जो है ये कितनवीं बार रहे हैं BIT मेसरा वगैरह जो होता है ना, तो ये यहाँ पर बताना होगा आप लोगों को, जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा। एक बार नहीं, तीन बार भी नहीं हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताना है कमेंट करके। यहाँ पर शिबू सोरेन जो कि इन्हीं के पिताजी हैं यानी कि हेमंत सोरेन के, जो कि राज्यसभा का मेंबर भी रहे हैं, राज्यसभा का भी वर्तमान में मेंबर भी हैं झारखंड से, और शिबू सोरेन को हम लोग जो है दिसोम गुरु के नाम से जानते हैं, दिसोम गुरु और गुरु जी के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए दो बार आंसर सही आ गया है, मुकेश ओराव और षडीवीर चंद्रशेखर। अगला सवाल है, उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो खेल नीति लाया गया उसमें बोला गया है कि खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति दिया जाएगा, पूर्व खिलाड़ी हैं उनको पेंशन योजना का लाभ, राज्य में हर ब्लॉक में हाई क्वालिटी का जो है खेल मैदान जो खेल का मैदान है वो बनाया जाएगा, खेलों विश्वविद्यालय का स्थापना करने की बात किया जा रहा है, खिलाड़ियों को नौकरी और शिक्षण संस्थान में आरक्षण देने की बात किया जा रहा है, इसके अलावा यहाँ पर जो झारखंड के जो भी खिलाड़ी हैं उनको राज्य स्तरीय जो भी नौकरियां जैसे द्वितीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का होता है उसमें सीधे भर्ती दिया जाएगा, और ये भी बोला गया है कि फुटबॉल से संबंधित, तीरंदाजी से संबंधित, एथलेटिक्स से संबंधित, और वहाँ पर रोड मैप के लिए एक विशेष पहल भी करने की बात किया जा रहा है। अगला सवाल 30 नंबर के, छात्रों को अच्छे स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक करने के प्रयास से झारखंड के सरकारी स्कूल की कक्षा 6ठा से 12वीं के लिए प्रत्येक मंगलवार को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जल्दी से बताना इसका आंसर। देखिए झारखंड के जो भी सरकारी स्कूल है वहाँ पे जो है प्रत्येक मंगलवार को स्वास्थ्य कल्याण दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक और चीज़ जान लीजिए कि झारखंड के जितना भी सरकारी स्कूल है वहाँ पे हर महीने के जो तीसरा शनिवार रहता है वहाँ पे क्या होता है छुट्टी देखने को मिलता है। जब स्कूल की बात हो तो हाल ही में देखे होंगे कि झारखंड में जो उर्दू स्कूल है उसको लेकर विवाद हुआ था कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो उर्दू स्कूल में जो है सरकार के द्वारा गाइडलाइंस नहीं है यानी कि उनको मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी वो शुक्रवार को छुट्टी दे देते थे, तो उन पे नकेल कसा गया, उन पे जो है जांच पड़ताल किया गया और बोला गया कि जो भी उर्दू स्कूल है केवल वही शुक्रवार को बंद रहेगा। अगला सवाल 31 नंबर की, झारखंड खेल नीति 2022 कितने वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी, खिलाड़ियों की जरूरत के अनुसार पॉलिसी में बदलाव करने का कार्य भी किया जाएगा। ऐसा भी कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि कभी जरूरत पड़ता है तो उनके जो भी नीति है नियम है उसमें जो है बदलाव भी हो सकता है, तो कितने वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। अगला सवाल 32 नंबर है, बोल रहा है कि आदिवासियों की संस्कृति भाषा रीति रिवाज और अधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व आदिवासी अधिकार दिवस, देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे विश्व आदिवासी अधिकार दिवस है, यहाँ पे केवल देता है विश्व आदिवासी दिवस तो उसका आंसर क्या चला जाता है, उसका आंसर जो है 9 अगस्त चला जाता है, मगर यहाँ पे विश्व आदिवासी अधिकार दिवस तो 13 सितंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और ये इसकी घोषणा जो किया गया था 2007 में किया गया था, किसके द्वारा, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था कि जो भी देसी लोग हैं उनके राइट के बारे में उनके अधिकारों के लिए जो है यह दिवस 13 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल, जंगल बचाओ आंदोलन के प्रणेता वीर शहीद साबुआ हंसदा जी का 12 सितंबर 2022 को कितनावां शहादत दिवस मनाया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 35वां जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल है 34 नंबर की, एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता था, और इसमें जो है झारखंड के एक गोलकीपर है, ऐसे ये हॉकी खिलाड़ी हैं और हॉकी में गोलकीपर हैं जिनका नाम है पंकज कुमार रजक, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये गोलकीपर जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये हजारीबाग से बिलोंग करते हैं, गोलकीपर जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हजारीबाग से, तो इनको राज्य सरकार के द्वारा जब नई खेल नीति लाएगा उस समय इनको कितनी राशि देने की घोषणा किया गया, ये है 34 नंबर।
ये नन स्टॉप क्लासेस था जिसमें आप लोगों को कोई भी बातचीत नहीं, इसलिए बातचीत नहीं क्योंकि लंबा सेशन चला जाता, ये केवल रिवीजन पर्पज से बनाया गया है। किन्हीं के डाउट हैं तो जल्दी से बताइए, हम उनका हल कर देंगे। किन्हीं को कोई डाउट, कोई भी सवाल में अगर डाउट हो तो जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनको 10 लाख रुपया जो है यहाँ पर देने की बात किया जा रहा है। आपको बता दूं कि रोजाना जो है झारखंड करंट अफेयर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, इसके अलावा जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर बनते हैं उसको हम रोजाना जो है सुबह में 7 बजे कवर करते हैं। उसी में से जो भी महत्वपूर्ण झारखंड करंट अफेयर रहते हैं उसको पार्टिकुलर वीडियो बना दिया जाता है ताकि आप आसानी से उसको रिविजन कर सकें। पूरा 7 दिन का जो है एक ही वीडियो में आप लोग को मिल जा रहा है, मात्र आधा घंटा में वो वीडियो रहता है। तो उसको अपना प्यार जरूर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करना है। जो अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दीजिए सेशन को। कहीं पे डाउट, एनीबॉडी एल्स, किन्हीं को कोई डाउट है जल्दी से बताइए। चलिए इसी के साथ हम सेशन को एंड करेंगे, और कहीं पे डाउट है जल्दी से बताइए। कल के वीडियो जो रहेगा बहुत खास रहने वाला है, तो आप लोग कल के वीडियो में जरूर सुबह 7 बजे जुड़िए। वो वीडियो जो रहता है अपने आप में गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहता है, गोल्डन वीडियो रहता है आप लोग के लिए, क्योंकि उसमें हम लोग झारखंड करंट अफेयर जो रिसेंट वाला जो है झारखंड करंट अफेयर पिछले 1.5 साल को क्या चल रहा है उसको भी वहां पे कवर कर देते हैं। सर झारखंड जी के कहाँ से फॉलो करें, अजय और राम बोल रहे हैं। जितने भी बुक मार्केट में आते हैं बाबू, आप मेरा सेशन सुबह में आप 7 बजे केवल एक बार जुड़ के देखिए, आप लोगों को गारंटी देंगे कोई भी बुक मैगजीन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मगर आप लोग सुविधा के अनुसार बहुत सारे बुक आते हैं जो मार्केट में ले लीजिएगा, बुक जाइएगा झारखंड जीके का बहुत सारे बुक हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, किन्हीं को अगर कोई पार्टिकुलर टॉपिक चाहिए जो आप लोगों को दिक्कत होता है तो वो जाइएगा कमेंट सेक्शन पे, वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, हम जरूर उसका रिप्लाई आप लोगों को देंगे और अगले वीडियो में उनको हम कवर कराने का प्रयास करेंगे। जो भी आप लोग को टॉपिक आप लोग को समझ में नहीं आता है उसको सरल से सरल लैंग्वेज में हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए कोई डाउट नहीं है ना। चलिए इसी के साथ हम आज का सेशन को एंड करेंगे, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहिए हमारा झारखंड।